डिकॉक और लाहौल ने 20 ओवर तक कोलकाता को धोया, तोड़ डाले आईपीएल के कई बड़े रिकॉर्ड। लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान केएल राहुल और विकेट कीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने बुधवार को कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को बहुत बुरी तरह धो दिया। दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 210 रनों की साझेदारी की। डिकॉक शतक तो राहुल अर्धशतक लगाकर नाबाद रहे। डिकॉक 140 और राहुल 68 रन बनाकर नाबाद रहे। इस दौरान दोनों ने मिलकर कई बड़े रिकॉर्ड तोड़े। आईपीएल इतिहास में पहली बार किसी टीम के 20 ओवर में एक भी विकेट नहीं गिरे। डिकॉक ने 70 गेंदों में 10 चौके और 10 छक्के लगाए। उनका स्ट्राइक रेट 200 का रहा। राहुल ने 51 गेंदों की पारी में 3 चौके और 4 छक्के लगाए। उनका स्ट्राइक रेट 133.33 का रहा। आईपीएल इतिहास में पहले विकेट के लिए यह सबसे बड़ी साझेदारी है। आखिरी 5 ओवरों में दोनों ने मिलकर 71 रन बनाए। टी20 क्रिकेट में ओपनिंग विकेट के लिए यह दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी है। पहले स्थान पर जिब्राल्टर के बालाजी और लुइस ब्रूस हैं। दोनों ने मिलकर बुल्गारिया के खिलाफ माल्टा की राजधानी माल्टा में 13 मई 2022 को टी20 इंटरनेशनल मैच में नाबाद 213 रनों की साझेदारी की थी। डिकॉक द्वारा खेली 140 रन की पारी किसी बल्लेबाज का आईपीएल इतिहास में तीसरा सर्वश्रेष्ठ स्कोर है। इस मामले में क्रिस गेल शीर्ष पर हैं। गेल ने बेंगलुरु में पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ 2013 में नाबाद 175 रन बनाए थे। उनके बाद ब्रेंडन मैकुलम दूसरे स्थान पर हैं। 2008 में ब्रेंडन मैकुलम ने कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ बेंगलुरु में नाबाद 158 रन ठोके थे। राहुल और डिकॉक ने आईपीएल में किसी विकेट के लिए तीसरी सबसे बड़ी साझेदारी की है। इस मामले में शीर्ष दो में कोहली और डिविलियर्स की जोड़ी है। दोनों ने 2016 में बेंगलुरु में गुजरात लायंस के खिलाफ आरसीबी की ओर से 229 रन जोड़े थे। इससे पहले 2015 में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के खिलाफ नाबाद 215 रन जोड़े थे। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ।